पानी इसमें से बिल्कुल खत्म हो गया है। उधर देखिए गाइस, वहां पे पानी निकाला गया है काट के। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे एंड मस्त होंगे। तो इसी प्रकार हंसते खेलते रहिए। तो गाइस, अभी फिलहाल 7:25 हो रहा है। मम्मी पूजा वूजा कर ली? हाँ कर लीजिए। कब उठी थी तुम? 5 बजे। मम्मी देखिए गाइस, 5 बजे उठ के पूजा वूजा सारा घर में कंप्लीट करी है। अब क्या नाश्ता बनाओगी ना? हाँ नाश्ता बनाएंगे। हाँ, तो गाइस हम लोग भी खेत से आ गए, खेत में कुछ काम करने के लिए गए थे। अभी फिलहाल चलते हैं ब्रश करने के लिए। ठीक है, नाश्ता बनाओ। तो ठीक, हाय कर दो एक बार, हाय ऐसे करो हाय। हाय। ठीक है गाइस, तो जाओ नाश्ता बनाओ, हम अभी चलते हैं गाइस ब्रश करने के लिए। और इसके बाद पहाड़ जाएंगे पानी लाने के लिए, क्योंकि पानी भी खत्म हो गया। तो गाइस पहाड़ का भी सीन कुछ दिखाएंगे, तो लगातार ब्लॉग पर बने रहिएगा। तो चलते हैं फिलहाल ब्रश करने। बढ़िया देखिएगा। ये रहा मेरा ब्रश, और ये रहा, और ये मैक कोलगेट मैक्स ब्रश, इसको यूज करते हैं गाइस फटाक से। तो फाइनली गाइस ब्रश में कोलगेट ले लिए हैं, तो ब्रश करते हैं। इधर देखिए अभी कोट फिलहाल क्या करिए, अरे क्या करिए, इसको कैंचवा रही, इसको कैंचवा रही। लो ब्रश करेगी, लो देखिए, देखिए गाइस कैसे ले रही है, देखिए। लो लो लो, हो गया हो गया, चलो। और इधर देखिए कैसे क्या खा रही है, इधर देखिए क्यों ना खा रही है, लो खाओ। इधर देखिए, इधर 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 उन फिंगर खा रही है, क्या है, जा जाओ 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 तुम जाओ 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 जाओ। फिर आ गई, फिर आ गई, फिर आ गई, फिर आ गई। ये देखा गया, कपड़ा चिबा रही, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं है, कपड़ा मच क्या है मेरा, कपड़ा चिबा रही, कपड़ा चिबा रही है, पता नहीं गाइस क्या है कपड़ा में, कपड़ा चिबा रही है तभी से। इधर देखिए, ये देखिए अब पैर चिबाई फिर, अरे लड़ती है। आजा आजा, कर रही है, क्या कर रही है, क्या पैर चढ़ाती है। तो फाइनली ब्रश कर लिए, और ये देखिए फिलहाल हेल्दी खाना में छुहारा और काजू और चना लिए हैं, तो इसको खाते हैं। और अभी फिलहाल गाइस ये इधर देखिए दूध गिर गया, हमको मम्मी बता रही थी चढ़ाई थी, पता नहीं गैस ऑन था ज़्यादा, बस गिर गया दूध। इधर फिलहाल अभी भिंडी बना रही है, तो स्टार्ट से हम चना खाते हैं, और इसके बाद इसमें पानी भर लेंगे, और फिर इसके बाद जाएंगे पहाड़ पानी लाने के लिए। ये गई साइकिल में डब्बा टांग लिए, और ये देखिए क्या लगाए हैं पाइप, क्योंकि इसको गाइस पकड़ते थे ना ऐसे करके, ये देखिए ये वाला पार्ट गड़ता था, इसलिए ये लगा लिए हैं, तो अब गड़ेगा नहीं। और साइकिल में यहाँ पर देखिए दाग भी हो जाता था, तो अब दाग भी नहीं होगा और पकड़ने में अच्छा लगता है। तो गाइस जब चलते हैं पहाड़, वहाँ पर भी थोड़ा देर घूमेंगे। और इधर देखिए अभी फिलहाल गोट फिर इसे, फिलहाल ऊंचा काफ़ी ज़्यादा है ना, और हवा भी भर रहा है, चढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अब तो पहुँच ही गए, इधर देखिए ये अरे वाह, खाली मिटा गया आज, बस एक बच्चा भर रहा है। पहले वहाँ डब्बा रख लेंगे, फिर इसके बाद इधर हम घूमने के लिए जाएंगे। तो फाइनली गाइस कल पहुँच गए, और उधर देखिए साइकिल यहाँ पर स्टैंड कर दिए और ताला भी लगा लिए। तो गाइस जाते हैं उधर से घूम के, बहुत दिन के बाद आप उधर घूमने जाने वाले हैं। ऐसे तो आते थे यहाँ पर पानी भरते थे, इसके बाद घर चले जाते, लेकिन आज चलते घूम के आते हैं। तो गाइस पहले मंदिर से स्टार्ट करते हैं, अभी फिलहाल हम राधा कृष्ण मंदिर के पास खड़े हुए हैं, तो यहाँ से पहले प्रणाम कर लेते हैं। राधा मैया, ये राधा कृष्ण का मंदिर है, और इधर फिलहाल पौनसुत हनुमान का मंदिर है, यहाँ पर भी प्रणाम कर लेते हैं। और इसी बगल में गाइस और दुर्गा माँ का मंदिर है, इधर देखे दो गो शेर इधर और इधर, कितना भयानक लग रहा है ना। तो यहाँ पर गाइस मेला उला लगता है, यहाँ पर भी प्रणाम कर लेते हैं, जय माता दी। तो गाइस जब चलते हैं उधर भी घूमने के लिए, एक पोखर है आपको बाबा जी पोखर जिसका नाम है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो इधर देखिए गाइस, ये फिलहाल बरगद का वृक्ष है, और इधर आम है, काफ़ी अच्छा हवा बहता है यहाँ पर, एकदम ठंडा हवा चलता है। तो गाइस वहाँ पर ही पोखर है, चलते हैं वहाँ।
सो गाइस हम बाबा जी पोखर के पास पहुंच गए हैं और इधर देखिए किस प्रकार पोखर उजड़ गया है, बोले तो पानी इसमें से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। उधर देखिए गाइस वहाँ पे पानी निकाला गया है काट के। गाइस इसमें एक दुर्घटना हो गया था, कोई इसमें डूब के डेट कर गया था ना, तो जिसके कारण उसको खोजने के लिए इसमें से पानी निकाला गया और उसके बाद इसको पानी भरा भी नहीं गया है। तो देखिए अभी फिलहाल कितना ज़्यादा पानी सूख गया और इसमें मूर्ति भी भसाया जाता है। और इधर देखिए सीढ़ी, उधर उधर और चारों तरफ देखिए गाइस सीढ़ी बनाया गया है, क्योंकि इसमें छठ पूजा भी होता है और दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, जो भी बोले तो होता है ना, पूजा मनाया जाता है, तो इसमें ला के मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है। तो अभी क्या देख ही सकते हैं कि यहाँ का हाल कितना ख़राब है इस जगह का, पता नहीं इसमें पानी दिया जाएगा कि नहीं, हमको लगता है ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, खैर बरसात में पानी आके शायद भर जाएगा। तो देखिए गाइस अभी का सीन कैसा है, तो गाइस और चलते हैं उधर। और इधर देखिए गाइस अभी फिलहाल पौनसुत मंदिर को यहाँ पर रखा गया है, इधर देखिए बजरंग बली को, जय हो पौनसुतमान। और इधर भी देखिए गाइस यहाँ पर भी दो मंदिर है, शंकर भगवान का और शंकर भगवान पार्थी और बजरंग बली और गणेश भगवान, बोले तो शंकर भगवान के परिवार का मंदिर। और इधर देखिए अशोक वाटी, अरे सॉरी पुष्प वाटिका, फूल लगाया गया है और यहाँ पर भी गाछ था गाइस, सारा ख़त्म हो गया, सब में लगाया गया। और इधर देखिए अभी फिलहाल लगाया भी गया है, फिर से बड़ा हो जाएगा। और इधर 1 2 3 4 5 इधर भी लगाया, तो गाइस आपको भोलेनाथ का दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए गाइस हमारे फ्रेंड भी यहाँ पर आए हैं जो कि पूजा कर रहे हैं बैठ के, जय हो भोलेनाथ। तो गाइस और भी आप लोग को दिखाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये गणेश भवन, और यहाँ पे एक मंदिर बन रहा है जो कि काम प्रगति पे है, ये बन ही जाएगा बहुत जल्द। और यहाँ पौनसुत हनुमान और यहाँ पर माता तुलसी। तो फ्रेंड हम आशा भी नहीं किए थे कि हमारा फ्रेंड यहाँ पर ऑलरेडी आया होगा, हमको पता भी नहीं था और हम जानते भी नहीं थे कि वो यहाँ पर आया है, हम सिर्फ ब्लॉग करते करते इससे भेंट हो गया, कितना खुशी मिल रहा है हमको गाइस। तो देखते हैं वो भी साथ जाएगा या फिर उसको लेट है, देखते यदि जाएगा उसको हो जाएगा जल्दी तो उसके साथ में चलेंगे, नहीं तो पहले भी चले जाएंगे, अभी घूमते हैं फिलहाल। ये देखिए फ्रेंड दोस्त का पूजा कम्प्लीट हो गया है, कब आया था तुम? हम तो 7 बजे आया था। 7 बजे से यहाँ आए, वाह अरे भाग, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, काशी ढोले, वाह वाह वाह। तो ये देखिए गाइस ये लाया था कलश और ये कुछ चंदन वंदन सब चीज़ पूजा वूजा कर लिया है। तो अब चलते हैं गाइस, पानी भर लेते हैं फिर इसके बाद घर निकलते हैं, चलो चलिए। और भी कर रहे हैं पूजा, हो गया चलो समाप्त। सो गाइस अभी फिलहाल हम श्री शनिदेव महाराज के मंदिर के पास पहुँचे हैं, पिछले ब्लॉग में आपको दिखाए थे जैसा कि शनि मंदिर बन गया है, तो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो ये देखिए आई बटन में है, जाके देख सकते हैं। शनिदेव का प्राण प्रतिष्ठा हो गया और शनिदेव मंदिर पथरगाम बन गया, वो दिखा देंगे। और अभी फिलहाल आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या बहुत चीज़ चेंजिंग हुआ, वो भी आपको दिखा। देखिए गाइस पिछले ब्लॉग में जैसा कि दिखाए थे फूल लगा हुआ था, तो अभी भी देखिए फूल है, ये बस मुरझा गया है। इधर देखिए और इधर देखिए अभी स्टील भी लगा दिया गया है, तो कितना प्यारा और कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग लिख दीजिएगा जय शनि महाराज की जय, जय हो शनिदेव। तो चलते हैं गाइस, वो देखिए फ्रेंड वहाँ पर अभी फिलहाल है, फटाक से चप्पल पहनते हैं और फिर निकलते हैं हम लोग भी। तो फाइनली गाइस पानी भर लिए, इधर देखिए डब्बा टांग लिए, तो अब चलते हैं घर। नहा के आ गए, मज़ा आ गया, अब बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, जैसे मोबाइल को रिफ्रेश किया जाता है तो कितना बेटर काम करने लगता है, वैसा अभी हमको लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि अभी भी एकदम एनर्जेटिक लग रहा है। तो अभी फिलहाल 1 बज गया है, तो ये देखिए दोपहर के खाना में मम्मी क्या बनाई है। तो ये देखिए दोपहर का खाना में दाल भात चोखा, प्योर सादा खाना, तो खाते हैं फटाक से। गाइस खाना खा लिए, तो गाइस अब ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि गाइस वीडियो अभी एडिट नहीं हुआ है और एडिट होने में हमको बहुत ज़्यादा लेट लगता है और यहाँ पर इंटरनेट भी उतना अच्छा नहीं चलता है कि अपलोड तुरंत हो जाए, अपलोड होने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो गाइज अभी फिलहाल 3 बज रहा है और आपको पता होगा कि हम हफ्ता में 2 बार ब्लॉग अपलोड करते हैं, तो गाइज आज हमारा 2 दिन हो गया है और आज 3रा दिन है, तो आज ब्लॉग नहीं अपलोड होगा तो मेरा टाइमिंग मिस हो जाएगा, इसलिए गाइज ब्लॉग को अभी ही एंड करते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा, तब तक के लिए बाय। तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं, कैसे खरीदोगी तुम प्यार में, बिकते नहीं दिल ये बाजार में, वो चीज़ नहीं है हम जो यूं बिक जाएंगे, हमसे टकराएंगे।